एसपी बीएसपी गठबंधन के बाद चुनावी रणनीति पर लखनऊ में कांग्रेस की बैठक, दोपहर 1 बजे गुलाम नबी आजाद और राज बब्बर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी की सभी 80 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है कांग्रेस, सूत्रों के हवाले से खबर। एसपी बीएसपी का गठबंधन होने के बाद दुबई से राहुल गांधी का ऐलान, दोनों दलों के पास गठबंधन का पूरा अधिकार, कांग्रेस अपने आदर्शों पर लड़ेगी चुनाव। दुबई में छात्रों को राहुल गांधी ने किया संबोधित, मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा वो भारत मंजूर नहीं जहां अपनी बात रखने पर मिलती है मौत। हाथ मिलाने के बाद प्रचार में साथ उतरेगी अखिलेश माया की जोड़ी, एक साथ 20 रैलियां करने का प्लान, पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी ठोकेंगे ताल। एसपी बीएसपी गठबंधन में कांग्रेस को नहीं मिली जगह, अमेठी रायबरेली सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी दोनों पार्टियां। गठबंधन के बाद अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, एसपी बीएसपी में आने को बेचैन है बीजेपी नेता, कार्यकर्ता कह रहे हैं मेरा बूथ हुआ चकनाचूर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने शिवपाल को दी धमकी, कहा पूर्वांचल में जाएंगे तो पिट जाएंगे। पटना में बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने इशारों में पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा कई बार देश का प्रधानमंत्री तक झूठ बोल जाता है। संतरी राजनीतिक संतरी से लेके दुर्भाग्य है कि कई बार देश का प्रधानमंत्री तक झूठ बोल जाता है। आज तमिलनाडु के बूथ लेवल वर्कर्स को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नमो ऐप के जरिए होगा संवाद। राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत के बाद लोकसभा की तैयारी में जुटी कांग्रेस, जयपुर में लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर आज बैठक। बीजेपी ने भी आज अपने नए विधायकों की बुलाई बैठक, बैठक में शामिल होने के लिए जयपुर पहुंचे थे अरुण जेटली। मुंबई में आज शिवसेना का कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं के बीच बोलेंगे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे। पूर्वांचल वोटर्स को लुभाने के लिए दिल्ली बीजेपी का दाव, आज प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के आवास पर दहीचूड़ा कार्यक्रम का आयोजन। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में कई घंटों तक चली मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मुठभेड़ में मारा गया बुरहान का करीबी जीनत उल इस्लाम, शकील अहमद डार नाम का आतंकी भी ढेर। सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई में थमनेरा विवाद, तबादले को लेकर अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे दो डिप्टी एसपी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की बेटी को मिली अगवा करने की धमकी, धमकी के ईमेल में लिखा बेटी को बचा सकते हो तुम बचा लो, हम किडनैप कर लेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी राम नाम का चला दाव, अयोध्या में शुरू की भाजपा हटाओ भगवान बचाओ यात्रा। दस फीसदी सवर्ण आरक्षण का रास्ता साफ, बिल को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, संसद से पहले ही पास हो चुका है बिल। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में गरीब सवर्णों को मिलेगा 10% आरक्षण, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद सरकार ने जारी किया अधिसूचना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एक हफ्ते के भीतर नियमों को देगा अंतिम रूप, इसी के साथ लागू हो जाएगा आरक्षण। 3 तलाक अध्यादेश को भी राष्ट्रपति की मंजूरी, 22 जनवरी को खत्म हो रही है पिछले अध्यादेश की मियाद। गुरु गोविंद सिंह की 352वीं जयंती पर आज पीएम मोदी स्मारक सिक्का करेंगे जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी से राहत नहीं, सड़कों पर अब भी जमी है कई फीट तक बर्फ। भारी मशीनों के जरिए सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी, कई दिनों से ठप है ट्रैफिक की आवाजाही। जम्मू कश्मीर के पीर पंचाल में मौसम की ताजा बर्फबारी, आसमान से बारिश की शक्ल में बरसी बर्फ। मुगल गार्डन में हर तरफ बिछी बर्फ की चादर, पेड़ों पर भी जमी बर्फ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंडी में भी जबरदस्त बर्फबारी, मोटी बर्फ से ढका मंदिर। श्रीनगर में बारिश के साथ बर्फबारी, चिल्लेकला के दौरान हुई बर्फबारी से फसलों को होगा फायदा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ताजा बर्फबारी, फिर बनी मुसीबत, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ठप, ट्रकों की लगी लंबी कतार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड, जनजीवन हुआ प्रभावित। कश्मीर के साथ हिमाचल में भी ताजा बर्फबारी, शिमला में लौटी पर्यटकों की रौनक। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे आफत का अलर्ट, उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग के साथ चमोली में बर्फीले तूफान का अलर्ट।
दिल्ली के अलीपुर इलाके में दुकानदार को बदमाशों ने सरेआम मारी गोली, एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग की। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सामने आया फायरिंग का लाइव वीडियो, जमीन विवाद में भिड़े दो गुट। राजस्थान के धौलपुर में रिश्तेदारों के बीच सड़क पर सरेआम हुई मारपीट, पैसों के लेन देन में एक युवक को जमकर पीटा। पटना में डंपर की टक्कर से बाइक सवार की मौत, गुस्साए लोगों ने की तोड़फोड़, कई वाहनों के तोड़े शीशे। फरीदाबाद में नए साल के जश्न में फायरिंग का वीडियो बनाकर फंसे दो युवक, वायरल होने पर पुलिस ने पकड़ा। हैदराबाद में कैमरे में कैद हुआ खतरनाक हादसा, बेकाबू बस ने ऑटो समेत कई वाहनों को मारी टक्कर। भीषण हादसे में एक की मौत, तीन घायल, ड्राइवर के बस पर कंट्रोल खोने के बाद वाहनों से जा भिड़ी बस। मध्य प्रदेश के झाबुआ में हाईवे पर ट्रक और कार की टक्कर, पति पत्नी समेत 6 महीने के मासूम की मौत। दिल्ली के शकरपुर इलाके में बेखौफ बदमाशों की करतूत, मोबाइल सर्विस सेंटर की दीवार तोड़कर लाखों के माल पर हादसा। यूपी के कानपुर में अंडरग्राउंड केबल लाइन में आ रही दिक्कतों पर भड़के एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी, अधिकारियों के सामने उखाड़े केबल बॉक्स। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में 20 साल के युवक ने पीजी में पंखे से लटक कर की खुदकुशी, पीजी में साफ सफाई का काम करता था मृतक। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से दो बच्चे झुलसे, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन लेकर बैंक को चूना लगाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में रिश्वत के आरोप में पुलिसकर्मी गिरफ्तार, हथियार लाइसेंस की एवज में उगाही करने का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा के बिस्ट्रक में युवक की मर्डर की गुत्थी, पुलिस ने सुलझाई, मृतक के भाई को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 2017 की बैंक लूट और हत्या की गुत्थी सुलझाई, गैंग के दो बदमाशों को दबोचा, 4 बदमाश भागने में कामयाब। यूपी के फतेहपुर में 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर आरोपियों ने किया हमला, पुलिस कर्मियों के साथ की मारपीट। यूपी के सुल्तानपुर में शनिवार को हुए बैंक लूट का वीडियो आया सामने, हथियार के दम पर 3 नकाबपोश बदमाश लाखों रुपए लूट कर भागे। यूपी के मेरठ में पुलिस ने पेपर सॉल्वर गैंग का किया पर्दाफाश, 4 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के बांदा में आवारा पशुओं से खेत की रखवाली कर रही लड़की की लाश कुएं से बरामद, मौत की वजह साफ नहीं। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 दिन से लापता पशु चिकित्सक का शव बरामद, आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मामूली कहासुनी में युवक का मर्डर, घर के बाहर खड़े युवक को टोकने पर आरोपी ने कैंची से किया मर्डर। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नशा तस्करों पर शिकंजा, गांजे की खेप के साथ 3 गिरफ्तार। इंदौर में 2 साल पहले हुई महिला कांग्रेस नेता ट्विंकल डागरे की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई, स्थानीय बीजेपी नेता जगदीश करोतिया और बेटे समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पुलिस ने हथियार तस्कर को पकड़ा, हथियारों की खेप जब्त की। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पुरानी करेंसी के नोट बरामद, महानंदा नदी के पास खुले में पड़ी मिली नोटों की खेप। राजस्थान के बाड़मेर में सामने आया लफ्जे हाथ का मुद्दा, जम्मू कश्मीर के युवक पर युवती ने लगाए सनसनीखेज आरोप। राजस्थान के सवाईमाधोपुर में एटीएम लूट की नाकाम कोशिश, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। राजस्थान के अजमेर में अवैध शराब की खेप जब्त, पुलिस ने शराब से भरा लावारिस पकड़ा। बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने एनकाउंटर में 3 बदमाशों को किया ढेर, सुमंता गिरोह के बदमाशों का किया सफाया। देश भर में आज लोहड़ी के त्यौहार की धूम, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश में खासी रौनक। अमृतसर में कांग्रेस नेता नवजोत कौर ने गरीब बच्चों के साथ मनाई लोहड़ी, मिठाइयां और गिफ्ट बांटे। जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में बीएसएफ जवानों ने मनाई लोहड़ी, गांव वालों के बीच मनाया जश्न। अमृतसर में जारी है प्रकाश पर्व की धूम, नगर कीर्तन का किया गया आयोजन। प्रयागराज में गंगा घाट पर विशेष आरती का आयोजन, भारी तादाद में शामिल हुए श्रद्धालु। प्रयागराज में हर तरफ बिखरे कुंभ मेले के रंग, लेजर लाइट शो का आयोजन। प्रयागराज की दीवारें बनी कैनवास, कलाकारों ने उकेरी तरह तरह की आकृति। गोरखपुर में मकर संक्रांति के लिए तैयार हुए मंदिर, गोरखनाथ मंदिर में भव्य सजावट। राजस्थान के बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल की धूम, हजारों पर्यटकों ने उठाया लुत्फ। भोपाल में स्कूली छात्रों के लिए सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन, शिक्षा मंत्री प्रभु राम चौधरी ने की शिरकत। पुणे में घर पहुंचा शहीद मेजर शशिधरन नैयर का शव, आईडी ब्लास्ट में हुए थे शहीद।
सरकार से एक्सप्रेसवे का आश्वासन मिलने के बाद द्वारका में स्थानीय लोगों ने खत्म की भूख हड़ताल। शनिवार को 11 कुंडिया हवन भी किया। प्रदूषण की समस्या को लेकर दिल्ली महिला कांग्रेस टीम ने निकाला पैदल मार्च, पटेल चौक से जंतर मंतर तक लगाई दौड़। मध्य प्रदेश के मंडला में गांव वालों ने किया चुटका परमाणु परियोजना का विरोध, 700-700 मेगावाट के दो परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने की है योजना। अरुणाचल प्रदेश के दिरांग इलाके में आईटीबीपी के जवानों को मिली कामयाबी, जंगल में लगी भीषण आग पर 10 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया। बिहार के समस्तीपुर में कुशवाहा समर्थकों और टीटी अभ्यर्थियों के बीच झड़प, मंत्री के काफिले का घेराव कर रहे थे टीटी अभ्यर्थी। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में गोवंश ले जा रहे वाहन को गांव वालों ने पकड़ा, गोवंश को उतारकर वाहन को आग के हवाले किया। यूपी के जौनपुर में योगा कैंप में पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव, स्वामी विवेकानंद वीर बहादुर यूनिवर्सिटी के 156वीं सालगिरह पर हुआ था आयोजन। कुंभर लखनऊ में आज इंडिया टुडे राउंड टेबल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजन। भुवनेश्वर में फ्लावर शो का आयोजन, तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों ने मोहा लोगों का मन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी सीरीज में पंड्या की जगह लेंगे तमिलनाडु के ऑलराउंडर विजय शंकर, दूसरा वनडे खेलेंगे। केएल राहुल को रिप्लेस करेंगे शुभमन गिल, न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम में होंगे शामिल। जांच समिति का सामना करने के लिए देश लौट रहे हार्दिक और राहुल, बीसीसीआई ने कहा खुद से टिकट कटाकर आओ वापस। जुरत कंपनी ने तोड़ा हार्दिक पंड्या से विज्ञापन का करार, टीवी पर विवादित अश्लील बयान के बाद कंपनी का फैसला। धोनी की बल्लेबाजी क्रम पर कोहली से अलग रोहित शर्मा की राय, कहा धोनी को नंबर 4 पर उतारना चाहिए। विकी कौशल की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को मिली शानदार ओपनिंग, पहले वीकेंड में 15 से 20 करोड़ की कमाई के आसार। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार के महेश बाबू के साथ पर्दे पर देख सकते हैं कटरीना कैफ, निर्देशक सुकुमार दोनों के साथ करना चाहते हैं फिल्म। रजनीकांत की फिल्म पिट्टा का फैंस पर चला जादू, बॉक्स ऑफिस पर अब तक 18 करोड़ की बंपर कमाई। पेरिस के एक बिल्डिंग में भीषण विस्फोट, 3 लोगों की मौत, करीब 50 घायल। 200 से ज्यादा फायर फाइटर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे, क्षतिग्रस्त बिल्डिंग से लोगों को निकालने की कोशिशें जारी, हेलीकॉप्टर की ली जा रही मदद। बिल्डिंग में धमाके के बीच पेरिस में येलो वेस्ट प्रदर्शन जारी, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प। इक्वाडोर में ड्रग रिहैबिलिटेशन क्लिनिक में लगी आग, 17 लोगों की मौत। स्विट्जरलैंड में सुरंग के अंदर बस में लगी आग, जान का कोई नुकसान नहीं। अमेरिका के मिसौरी शहर में बर्फीले तूफान के कहर, सड़कों पर जमी हुई कई फीट मोटी बर्फ, कई उड़ानें रद्द। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।